हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फिजिकल मैप जो है कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहला फिजिकल डिवीजन जो है इंडिया का वो क्या है, वो है द ग्रेट हिमालयाज। तो वो ग्रेट हिमालयाज इंडिया के मैप में कहां पे लाए करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैप जो थोड़ा रफ है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। ये वाला पार्ट जो है इंडिया का, यहां पे लाई करता है हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज। पहला फिजिकल डिवीजन अगर देखा जाए द ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज यहां से, यहां लद्दाख जम्मू कश्मीर से जो है स्टार्ट होता है वेस्ट में, और यहां ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, और यहां अरुणाचल प्रदेश से फिर ऊपर अगर नॉर्थ से देखा जाए और नीचे तक, और यहां पूरा अरुणाचल प्रदेश, इसको जिस पार्ट को हम हिमालयाज के पूर्वांचल कहते हैं। तो उसके बाद दूसरा फिजिकल डिवीजन अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया आता है इंडिया का, वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये है इंडिया का दूसरा फिजिकल डिवीजन, वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सबसे यंगेस्ट फिजिकल फीचर जो है माने जाते हैं इंडिया के, यंगेस्ट फिजिकल फीचर। इनका एक और नाम भी है जिनको हम इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो इनका एक दूसरा नाम भी है इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, वो इसलिए क्योंकि ये प्लेन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के, ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के वर्क से ही बनते हैं। तो तीसरा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो तीसरा आता है यहां पे, वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये तीसरा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है। चौथा फिजिकल डिवीजन आता है द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो थ्री साइड से पानी से घिरा हुआ है यहां पे, पेनिनसुलर प्लेटू। चौथा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू। और उसके बाद पांचवा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया अगर देखें हम, तो वो यहां से लाई करते हैं बिल्कुल कोस्ट बाउंड्रीज जो है पेनिनसुलर प्लेटू की, ये वाला पार्ट जो है जिसको मैंने शेड किया यहां पे, इसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये फिफ्थ फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया है। और लास्ट वाला फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं, सिक्स, आइलैंड्स। और वो आइलैंड कौन कौन से हैं, यहां से अगर देखा जाए हमारा अरेबियन सी पड़ता है, और यहां से बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल शॉर्ट में लिखा है मैंने बे ऑफ बंगाल। तो यहां से हमारे जो कुछ आइलैंड्स पड़ते हैं इंडिया के, जिनको हम लक्षद्वीप्स के नाम से बुलाते हैं, लक्षद्वीप, ये है 36 आइलैंड्स का ग्रुप माना जाता है, ये 36 आइलैंड्स में आते हैं लक्षद्वीप्स। लक्षद्वीप, और यहां से कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और है, 572 समथिंग ऑलमोस्ट, इतने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनको हम अंडमान एंड निकोबार कहते हैं।
तो ये हो गए हमारे सिक्स फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले द ग्रेट हिमालयस, उसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया और जिनको हम इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहते हैं, उसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके बाद द पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बाद आते हैं द कोस्टल प्लेन्स और लास्ट पे आते हैं आइलैंड्स जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार लाई करते हैं। तो इसमें एक बात मैं आपको और बताऊं कि द ग्रेट हिमालय जो है इनके साथ में ही ऊपर नॉर्थ में आते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें डिस्कस करेंगे, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये ग्रेट हिमालयस के बिल्कुल नॉर्थ में पड़ते हैं।